सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे, दादी के पास गई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माता जी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ, हमारी दादी माँ समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं।